डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अहमदाबाद में लिफ्ट गिरी, 7 मजदूरों की मौत, सामान ले जाने वाले एलिवेटर में सवार थे। राजस्थान में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 12 से ज्यादा जिलों में होगी बरसात। जोधपुर में देर रात एक तेज रफ्तार डंपर का कैर देखने को मिला, पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक को लिया हिरासत में। और खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में एक इमारत के लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट के जरिए सामान ऊपर ले जा रहा था। इस दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बारोट ने हादसे के बाद कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। जिस एलिवेटर से सिर्फ सामान ऊपर भेजा जाता था, उस पर सामान के साथ मजदूरों को भी ऊपर भेजा व उतारा जा रहा था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार गलत है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में 3 इंच तक बरसात हुई। प्रदेश में 13 सितंबर तक 34% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जगहों पर औसतन 36 mm से ज़्यादा तक बरसात हुई। वहीं बारा, कोटा, दौसा जिले में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। भवानी मंडी में भीमनी सिंचाई परियोजना में मंडी के करामन में गड़बड़ झाला सामने आया। किसानों को मुआवजा देने के बाद भी नहर का निर्माण नहीं किया गया। किसानों के हितों को लेकर सरकारें कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती है, लेकिन धरातल पर योजनाएं कितनी सार्थक होती है, इसका नमूना भवानी मंडी उपखंड की भीमनी सिंचाई परियोजना के तहत बनी नहर। यूं तो नहर निर्माण के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया जा चुका है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी इन किसानों के खेत तक नहर नहीं पहुंची है। मंगलवार को करावन के सभी किसानों ने कृषि भूमि नहर निर्माण के दौरान अवाप्त होनी थी, जिसको वो मुआवजा भी ले चुके, लेकिन 5 साल बाद उनकी खेती पर नहर नहीं पहुंची। मंगलवार को 80 से 90 किसानों ने डग विधायक कालूराम मेघवाल को ज्ञापन दिया। जोधपुर में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और चिरंजीवी योजना न देने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर सहमति बनने के बाद आखिरकार कृष्णा हॉस्पिटल के बाहर चल रहा धरना देर रात समाप्त कर दिया। दरअसल परिजनों ने भाटेलाई परोहितान निवासी भैरव सिंह की मौत के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 8.5 लाख रुपये लेने और चिरंजीवी योजना का फायदा न देने का आरोप लगाया। धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर एसोसिएशन भी धरने के खिलाफ उत्तर आए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, जो भैरव सिंह की डेथ हुई थी दौरान उपचार, जो जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया था और समाज के लोगों ने और अन्य जो इनके ग्रामवासी यहाँ पर जो मांगे रखी थी उन्होंने, उन मांगों पर जिला कलेक्टर महोदय और DCP साहब की मौजूदगी में, समाज के मौजूद लोगों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, MLA साहब और सारे मौजूद थे, बैठक हुई और उसमें जो भी उनकी तीनों मांगे थी, जैसे वो जो परिवार है वो उनकी आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को देखते हुए जो भी सहायता राशि जो उनको दी जानी है वो दे दी जाएगी, और उसके अलावा जो हॉस्पिटल की जांच के संबंध में जो परिवाद प्राप्त हुआ है उसकी जांच करा दी जाएगी, और भी जो इन परिजनों की तरफ से मेडिकल बोर्ड का गठन करा के उसका पोस्टमार्टम किया जाना है, तो ये तीनों मांगे मान ली गई है और सभी लोगों ने इसमें सहमति व्यक्त की है और धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। वार्ता जो हमारी सभी की, समाज की और इनके परिजनों की जो मांग थी, वो सारी मांगे प्रशासन और सरकार ने मान ली, और हमारी मांगे थी महत्वपूर्ण थी कि इनके
पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाए। दूसरा थी कि इनके खिलाफ प्रशासन जो चिरंजीवी योजना के अंदर अस्पताल प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इन सब की निजी जो भी चिकित्सा हैं अस्पताल उनकी जांच की जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण था कि इस परिवार के साथ में जो धोखाधड़ी से पैसे वसूल कर लिए थे 8,82,000 जो इलाज के दौरान इन्होंने अपनी जमीन बेच के अपने गहने बेच के जो इलाज के दौरान यहाँ अस्पताल में जमा कराए गए थे वो पैसे वापस दिलाने की मांग थी, जो प्रशासन और सरकार ने मानकर तुरंत प्रभाव से इस परिवार को तीनों मांगे। महत्वपूर्ण एक तो था कि इनकी जो जितना भी अस्पताल के अंदर पैसा लगा है 8,82,000 वो वापस दिए जाएंगे। और दूसरी मांग थी कि इनको जो भी पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से कराया जाए। और तीसरा जो चिरंजीवी योजना के तहत इस अस्पताल के अंदर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अनियमितताएं की जा रही, उन सब की जांच की जाएगी और इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ये सारी मांगे प्रशासन और सरकार ने मान ली, इसलिए विशेष तौर से प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का और इसके अंदर जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग रहा, विशेष तौर से महेंद्र जी बिश्नोई और बाबू सिंह जी और इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अखबार में गया दिन में पूछा कलेक्टर साहब ने, आप दो दिन पहले कर लेता वार्ता में क्या तो कलेक्टर साहब वार्ता के अंदर जो मांगे थे जो भीम सिंह जी के परिवार और जो धरना स्थल पर बैठे थे उनकी जो तीन मांगे थी वो तीनों मांगे मानने की मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी ने जो वो एक तो जो जिनका पेमेंट लगा उसको और जो एक पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बना के देंगे और एक जांच कराने धन्यवाद। जोधपुर शहर के एयरफोर्स इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला। डंपर चालक ने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी गली में डंपर को दौड़ा दिया, जिसके चलते एक टैक्सी क्षतिग्रस्त हुई तो एक दुकान को भी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि डंपर चालक नशे की हालत में था, इसी के चलते लोगों को रोकने पर भी वो नहीं रुका और उसने डंपर को दौड़ा दिया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जयपुर में स्टार हॉस्पिटल में लंपी वायरस से पीड़ित गायों के इलाज के लिए गौशालाओं को देखरेख के लिए 1,00,000 रुपये की दवाइयाँ देने की घोषणा की। स्टार हॉस्पिटल का गाय बचाओ अभियान का शुभारंभ 14 सितंबर को स्थानीय विधायक डॉक्टर अशोक लाहोटी ने किया। वहीं स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर, सांगानेर पीताम्बरा फाउंडेशन प्रतापनगर और सांगानेर ने राज्य व देश में गायों में फैल रही लंपी वायरस व उससे होने वाले अकारण मौतों से गौवंश को बचाने के लिए गायों को लंपी वायरस से बचाव के लिए अभियान प्रारंभ किया। संक्रमित व बीमार गायों के इलाज के लिए 4,00,000 रुपये दवाइयाँ निःशुल्क देने की घोषणा की। इस महाअभियान का शुभारंभ पिंजरा पोल गौशाला सांगानेर से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी व उनके गोभक्त की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश केदावत निदेशक स्टार हॉस्पिटल पीताम्बरा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राजीव उपाध्याय ने बताया कि इस वास्ते एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यह टास्क फोर्स पशु चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ गायों को संक्रमण से बचाने के लिए उपलब्ध करवाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर राकेश केदावत ने कोरोना महामारी में भी हजारों मरीजों का बिना रेमडेसिविर व बिना महंगी दवाइयों के सफल इलाज भी किया है। सर, इन दिनों जो गायों को लेकर बीमारियां चल रही हैं उसमें सरकार भी काफी परेशान है और स्टार हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो वो कदम जो गायों को लेकर उठाया वो एक बार आप बताएं सर मीडिया से क्या किया है आपने? देखो, राज्य भर में और देश भर में गायों पे जो संक्रमण चल रहा है लंपी वायरस का, उससे राज्य में ही 50,000 से ज़्यादा गायें शांत हो गई हैं और लाखों गायें बीमार चल रही हैं। स्टार हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर रेखा केदावत ने, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय है और गाय हमारे को जीवन साथी रही है जिंदगी भर से, तो उनकी मौतों को देखकर समाचार पत्रों से प्रेरणा लेकर एक विशाल लंपी वायरस से गाय बचाओ अभियान प्रारंभ किया है। इसके तहत स्टार हॉस्पिटल लंपी वायरस से पीड़ित गायों को अभी आरंभिक तौर पर 1,00,000 रुपये की दवाइयों का प्रबंध कर दिया है। आज सुबह इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी ने पिंजरापोल गौशाला में कर दिया है, जहाँ स्टार हॉस्पिटल के कर्मचारी और स्टार हॉस्पिटल का मैं स्वयं डॉक्टर राकेश केदावत गायों को जाकर बीमार गायों का अवलोकन किया, वहाँ चिकित्सकों से विचार विमर्श किया और उनको दवाइयाँ वितरित की गई है।
स्टार हॉस्पिटल ने कोरोना काल में हज़ारों मरीजों का बिना रेमडिशियर और प्लाज्मा के जो इलाज किया था, तो वायरल डिजीज का काफ़ी अनुभव है। बीमारी चाहे पशु में हो चाहे मानव जाति में हो, संक्रमण वायरस होता है, वायरस की एक ही क्वालिटी होती है, तो उन पे दवाइयाँ एक सी ही लगती है, अतः बचाव के तरीके भी एक से ही हैं। स्टार हॉस्पिटल ने आरंभिक तौर पर जो गायें बीमार हैं उनको लिए ज़रूरी दवाइयाँ और गंभीर संक्रमित बीमारियों की दवाइयों के लिए भी एंटीबायोटिक दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। सभी क्षेत्रीय आसपास की गौशालाओं को संपर्क कर निवेदन कर दिया गया है कि जहाँ भी कोई लंपी वायरस से गाय पीड़ित है, आप स्टार हॉस्पिटल से संपर्क करें। स्टार हॉस्पिटल 24 घंटे खुला है और उन गायों के लिए जो भी चिकित्सा की ज़रूरत हो रही है वो स्टार हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है निःशुल्क। सबसे पहले आप अपना परिचय। सर, मैं पुष्पेंद्र कुमार लाखीवाल, सुमेल जामडोली, आगरा रोड से आया हूँ। कौन सी गौशाला और आपने कितनी गायें रख रखी, और इस समय जो गायों में बीमारी हो रही है, तो अभी आपके पास कितनी गायों में ये बीमारियाँ फैल चुकी हैं? सर, लगभग 50-60 गायों में जो सभी में यही बीमारियाँ चल रही है। उनको पहले बुखार आता है, फिर उनके पैरों में सूजन आ जाती है, और फिर उनको ये फोड़े पुंछे हो जाती है, फिर उनसे ब्लीडिंग हो जाती है। वो 50-60 गाय होगी सर लगभग। जयपुर में किसी ने मदद नहीं, स्टार हॉस्पिटल जो कि सांगानेर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हॉस्पिटल्स के बारे में आप क्या बताओ? मुझे आज सुबह ही पता लगा स्टार हॉस्पिटल का, कि स्टार हॉस्पिटल जी राकेश जी सर ने, मैं किसी से मेरे को पता लगा कि स्टार हॉस्पिटल गायों की हेल्प के लिए तैयार हुआ है। तो फिर मैं जैसे ही सुबह फ़ोन किया सर को, तो सर ने मुझको तुरंत फ़ोन कॉल करके बोला कि आप स्टार हॉस्पिटल में आओ और जितनी भी आपकी हेल्प होगी दवाई से वो हम करेंगे। तो इसलिए मैं स्टार हॉस्पिटल का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टार हॉस्पिटल और राकेश जी सर को, कि मुझे और अपनी गायों को हेल्प की, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को। वहीं जयपुर में स्टार हॉस्पिटल पर टीबी व डेंगू मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जो बुखार के सैकड़ों मरीज लाभान्वित हुए। स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में विशाल डेंगू व वायरल बुखार शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें 500 से अधिक मरीजों ने अपनी जांच व दवाइयां व परामर्श लेकर लाभान्वित हुए। स्टार हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रत्येक रविवार लगने वाले संडे फ्री क्लिनिक में आ जाए बुखार व अन्य बीमारियों के गंभीर मरीजों, उनके परिजनों को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम में भागीदारी निभाते हुए लोगों को तपेदिक व डेंगू से बचाने के उपाय के बारे में बताया। दि स्टार हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राकेश दावत ने बताया कि टीबी उन्मूल कार्यक्रम के तहत मरीजों को प्रत्येक रविवार निःशुल्क परामर्श व जांच व दवाइयों में एक अंशदान मरीज का व एक अंशदान स्टार हॉस्पिटल का दे होगा। सर, इन दिनों डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो स्टार हॉस्पिटल माना हुआ होता कि डेंगू के लिए स्पेशलिस्ट, तो आप इसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, मौसम के बदलाव के साथ अगस्त के महीने से ही प्रतिवर्ष डेंगू वायरल मलेरिया के मरीज बढ़ना चालू हो जाते हैं, और इस वर्ष भी डेंगू के मरीज आना चालू हो गए हैं अस्पतालों में। डेंगू के NS1 पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं, पर इस बार जो डेंगू के मरीजों में देखा जा रहा है वो विशेष यह है कि लोग उल्टी दस्त करके आ रहे हैं, और उल्टी दस्त के बाद उनमें लीवर में सूजन आ रही है, और फिर पेशेंट्स के प्लेटलेट्स कम होकर वीकनेस आ रही है। स्टार हॉस्पिटल ने गत 10 वर्षों के अनुभव में, जिसमें हज़ारों लोगों का बिना SDP, बिना RDP और बिना प्लेटलेट चढ़ाए सफल इलाज किया है, कोरोना में भी जो बिना रेमडिशियर के और प्लाज्मा के लोगों का इलाज किया, तो अनुभव को देखते हुए अपने को डेंगू के मरीजों के लिए 24 घंटे स्टार हॉस्पिटल पे हेल्पलाइन सेंटर चालू कर दिया है। 24 घंटे गरीब मरीजों को, BPL परिवार मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श मिलेगी और निःशुल्क भर्ती सुविधा मिलेगी, और जांचें उनकी रियायत दरों पे की जाएगी, व अन्य को भी अन्य अस्पतालों से 50% तक कम दरों पर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कितने मरीज हैं डेंगू के? डेंगू के मरीज गत वर्ष से तो कम है, परंतु डेंगू के मरीज अब स्टार्ट हो गए हैं। प्रतिदिन बुखार के मरीज 2-4-5 आना चालू हो गए हैं, और गंभीर मरीज भी आना चालू हो गए हैं। तो मेरी लोगों से यही निवेदन है
कि डेंगू को फैलने से रोकें। जो भी आपके डेंगू का या कोई वायरल बीमार का पीड़ित हो, कृपया उसको आइसोलेटेड कर दें और उसको नहाने नहीं दें, गर्म पानी से ही उसकी स्पंजिंग करें और ठंडी चीज़ों का, छाछ दही का सेवन नहीं करें। ये डेंगू वायरस में और अन्य वायरल डिजीज में घातक होती है। स्टार हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए 24 घंटे खुला है। आप किसी भी डेंगू पीड़ित में जिसकी प्लेटलेट्स कम हो, आप कृपया सेवा का मौका दें। अपन हर किसी को पैसा नहीं दे सकते, पर उसकी बीमारी में पैसे बचा देंगे तो उसको देने से बड़ा है। एक प्रत्येक डेंगू के गंभीर मरीज के आप एक मरीज को स्टार हॉस्पिटल का जानकारी देकर उसके कम से कम 50,000 रुपये बचा कर उसकी सेवा करने का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,